अगर इन लोग को जितवाइएगा तो ये लोग अपना परिवार को ही आगे बढ़ाएगा। आप देख ही रहे हैं ना अपने परिवार में से कितने लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत लाइव। तो सीधे सीधे ये बयान हमारे नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हैं और लगातार बिहार की राजनीति पे परिवारवाद पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, परिवारवाद का इल्ज़ाम तो लालू यादव और उनके परिवार पे लगता ही रहता है। लेकिन अब इस कटघरे में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो है शामिल हो चुके। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करना चाह रहे थे वो, लेकिन वो जिक्र उन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था, वो लोग तो अपना परिवार ही बढ़ाएगा, देख रहे हैं ना कितने लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। लालू परिवार से कुल 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेके लगातार सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। कभी उनकी पुत्रियों पर इल्ज़ाम लगते हैं तो कभी पुत्र पर। लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई बड़े नेताओं पर निशाना साधिया, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हम चाहेंगे पहले आप इस वीडियो पे नजर डालें। तो लोग अपने परिवार को आज देखिए, तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा देख लीजिए, एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। इन लोगों को जब मौका मिलता है तब पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा। तो लोग अपने परिवार को आज देखिए, तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा देख लीजिए। इन लोगों को जब मौका मिलता है तब पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी देख लीजिए, तब पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा, बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा। तो देखा आपने, एक ही परिवार के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहली जो तस्वीर है उसमें आपको लोजपा की तस्वीर मिलेगी, जहां पर चिराग पासवान तो है ही, लेकिन उनके चाचा भी नजर आएंगे, जहां दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तस्वीर में सारे परिवार को एक साथ रखा गया है, जहाँ रामविलास पासवान की भी तस्वीर है, उसमें चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, प्रिंस राज भी हैं, पशुपति पारस भी हैं। हालांकि लोजपा अलग हो चुकी है, एक राष्ट्रीय लोजपा है और एक लोजपा रामविलास है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तो दूसरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद से इनको जोड़ दिया गया है। साथ में अब जमुई से जिस तरीके से अरुण भारती ने ताल ठोका है, तो वो भी परिवारवाद का ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, तेजस्वी यादव छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे हैं। और दूसरी तरफ शांभवी चौधरी को चुनावी प्रचार प्रसार में उतारा गया है, प्रत्याशी हैं समस्तीपुर से और वो अशोक चौधरी की बेटी है। शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है। और ऐसे कई बड़े नेताओं पे तेजस्वी यादव ने निशाना साध दिया है। और जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है वो परिवारवाद के नाम पे लालू यादव और उनके परिवार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब परिवारवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुंह तोड़ जवाब तेजस्वी यादव ने दे दिया है, और कौन किसके परिवार से कितना लोग लड़ेगा ये भी बता दिया है। चलिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।